फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्स से न्यूट्रल इलेक्ट्रिक मीटर का राइट साइड में इनपुट होगा एंड लाइव इलेक्ट्रिक मीटर का लेफ्ट साइड में इनपुट होगा। देन आउटपुट न्यूट्रल लेफ्ट साइड से निकल के जाएगा मेन स्विच के अंदर जो स्टेशनरी कॉन्टैक्ट है वहाँ पे इनपुट होगा। देन जम्पर स्विच स्टेशनरी कॉन्टैक्ट एंड मोबाइल कॉन्टैक्ट के अंदर कनेक्शन करा देगा। देन फ्यूज द्वारा न्यूट्रल डोमेस्टिक या कमर्शियल स्विच बोर्ड वायरिंग होने के लिए जाएगा। देन इलेक्ट्रिक मीटर का राइट साइड से लाइट निकल जाएगा मेन फ्यूज की तरह। तो मेन फ्यूज में लाइट इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद मेन फ्यूज से लाइट आउटपुट होगा। मेन फ्यूज से लाइट आउटपुट होके जाएगा मेन स्विच की तरह। देन मेन स्विच में देखिए राइट साइड में एक फ्यूज है, तो फ्यूज का राइट साइड में एक स्टेशनरी कॉन्टैक्ट इनपुट पोर्ट है वहाँ पे इनपुट होगा। देन जम्पर स्विच स्टेशनरी कॉन्टैक्ट एंड मोबाइल कॉन्टैक्ट के बीच में कनेक्शन करा देगा। देन फ्यूज द्वारा लाइट निकल के जाएगा एमसीबी तरह। तो एमसीबी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इनपुट में लाइट इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद एमसीबी थ्रू लाइट आउटपुट होगा। आउटपुट होके लाइट चला जाएगा डोमेस्टिक या कमर्शियल स्विच बोर्ड वायरिंग होने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह इलेक्ट्रिक मीटर बोर्ड वायरिंग होता है। देन अर्थिंग मेन स्विच के बॉडी के साथ कनेक्शन होगा। देन अर्थिंग चला जाएगा डोमेस्टिक या कमर्शियल स्विच बोर्ड वायरिंग होने के लिए।